सीलापट्ट पर कालिख पोत कर ग्राम प्रधान का नाम हटाने के मामले को लेकर नाराज प्रधान संघ ने जिलाधिकारी और सीडीओ को सौंपा ज्ञापन। कंपोजिट विद्यालय के शिलान्यास बोर्ड में ग्राम प्रधान के नाम हटाने का मामला। नाराज प्रधानों ने जिलाधिकारी से मुलाकात करके रखी कार्रवाई की मांग। जी हां, ये मामला यूपी के वाराणसी का है, जहां पर आराजी लाइन विकास खंड के ढढोरपुर में बुधवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के द्वारा कंपोजिट विद्यालय वाराणसी के उद्घाटन समारोह में लगे सील लापट पर अंकित ग्राम प्रधान संतोष कुमार वर्मा के नाम को BSA BEO के अनुसार कालिख लगाकर छुपाया गया। अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सुभाष राजभर, ग्राम प्रधान दरिक हूँ, विकास खंड राजी रेंज जनपद वाराणसी का रहने वाला हूँ। क्या मामला, अभी आज आप लोग डीएम से मिले? हमारा राजी रेंज प्रधान संघ जी तेजनाथ पटेल जी के नेतृत्व में जी आज राजी रेंज ब्लॉक के ग्राम सभा ढढोरपुर में प्रधान के अपमान के खिलाफ आज जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात किया है और मुख्य विकास अधिकारी से भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। किस तरह का अपमान, किसके साथ अपमान? अपमान का प्रकरण यह है कि वहाँ पर एक निजी बैंक द्वारा विद्यालय का निर्माण कराने की बात कही गई। इसमें जमीन की उपलब्धता, भूमि प्रबंधन समिति और शिक्षा प्रबंधन समिति के दोनों के अध्यक्ष प्रधान होते हैं। जब तक प्रधान के आवश्यकता था तब तक ये सारे लोग प्रधान को पूछते रहे। समस्त जगहों से जब NOC उपलब्ध करा दिया गया, भवन का निर्माण हो गया, उसके बाद वहाँ पूरी तरह से राजनीति करते हुए प्रधान उस विलेज का हेड होता है, सर्वोच्च नागरिक होता है, उसका अपमान ये किया गया कि उस इवेंट में न उनको बुलाया गया, बल्कि पहले से लगाए गए शिलापट जिसमें ग्राम प्रधान जी का नाम था, उनके नाम को उस घटना के समय उस नाम को जो है कालिख लगा के मिटा दिया गया। इसी के खिलाफ आज हम लोग अपने हो रहे अपमान के लिए हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो हम सारे प्रधान आराजी लाइन सहित जनपद के सभी प्रधान इस संबंध में हम लोग जल्द ही धरने पर बैठेंगे। क्या आश्वासन मिला DM महोदय? हालांकि जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि आप वहाँ के मुखिया हैं और विद्यालय आपके देखरेख में चलता है, वह आप उसके संरक्षक हैं, हम निश्चित रूप से इसको देखेंगे और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई कराएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नया वीडियो आने वाला आपको जल्द से जल्द मिल जाए, और हमारे बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।